हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ जो कि पंजाब पुलिस की तरफ से आई हुई है। ठीक है, बता दूँ ये ऐसा ही की पोस्ट नहीं है या कॉन्स्टेबल की वैकेंसी नहीं है, न्यू रिक्रूटमेंट ज़रूर आई है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह की वैकेंसीज है, कौन अप्लाई कर पाएगा और एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या बताई गई है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। और बताना चाहती हूँ, इस रिक्रूटमेंट के अलावा 10 से 12 नए नोटिफिकेशन भी आए हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसी अलग आई है, सेंटर की अलग। उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, वहां आपको प्रॉपरली गाइड भी किया गया है किस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। सो उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक न्यूज़ वायरल हो रही है। ये तो नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में अभी बता रही हूँ किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसी आई है। काफ़ी ज़्यादा ना न्यूज़ वायरल हो रही है कि पंजाब पटवारी की 3500 वैकेंसीज आ रही है, या 1090 वैकेंसीज आ रही है, या 2000 वैकेंसीज आ रही है, या पंजाब पुलिस की 4251 पोस्ट आ रही है, या 6500 वैकेंसीज आ रही है। इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं आया है। ये आएगा लेकिन अभी 3-4 मंथ के बाद ही इसका कोई नया अपडेट आएगा। आप सभी को पता चली गया है, चाहे आप इलेक्शन स्टंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वैकेंसीज उसी वजह से डिले है। अब जैसे पीएसपीसीएल की आई है, इसके बाद ही आएंगी। अब कितना टाइम लगता है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा। इस तरह की वायरल न्यूज़ पे आप ट्रस्ट मत कीजिए। पंजाब के चैनल ही आप हमेशा फोकस कीजिए, पंजाब के चैनल आपको सेंट्रल की वैकेंसीज भी बताते हैं और स्टेट की भी हमेशा बताते हैं। तो हम बात करते हैं फिलहाल जो रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे देखिए, ये भी जो मेंशन एड्रेस है ना, पंजाब सिविल सिक्योरिटी का सेक्टर 1 चंडीगढ़, 8th फ्लोर होम ब्रांच है जो सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, वहाँ पर आपने अपना बायोडाटा भेजना है, प्लस अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करके भेजने हैं इस मेंशन एड्रेस पे। जो लास्ट डेट के बाद अगर किसी की एप्लीकेशन उनको रिसीव होती है, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है 31 दिसंबर 2019 शाम 5 बजे तक आपने भेज देने हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसी बता रखी है, ये एक पोस्ट है, एक ही वैकेंसी बताए रखी है इन्होंने चेयरपर्सन की। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स की तरफ से ये वैकेंसी है और इसका जो एक ही वैकेंसी है। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको चाहिए आप मुझे बता देना, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगी, उसकी पीडीएफ आप उसको फिलअप करके भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स।